नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हिट द लाइक बटन। हम आपके लिए नर्सिंग से जुड़ी सभी खबरें लेके आते हैं। बात करते हैं नर्सिंग की 20,000 वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ, नर्सिंग की 20,000 वैकेंसियाँ जो पिछले ये उन वे वैकेंसियाँ हैं जो पिछले कुछ समय में जा चुकी हैं, और नर्सिंग की आने वाली वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं तो कि 2019 में जो वैकेंसियाँ, जो मोस्ट वैकेंसी थी, आपने एग्ज़ाम दिए थे, जो शायद किसी ने मिस कर दी या फिर कोई जॉब कर रहा है, उन कुछ वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की 200 पोस्टें। जी हाँ, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की 200 पोस्टें थी, और उसके बाद HHL लाइफ केयर की 430 पोस्टें, सेल की 153 वेरियस पोस्ट थी। इसमें स्टाफ नर्स की अलग पोस्ट है। नॉर्थन रेलवे में 164 पोस्ट निकली थी जो कि इंटरव्यू बेस पे थी, और उसके बाद ESIC कर्नाटका में 311 थी, और ESIC में 1300 कुछ पोस्टें थी। इस ESIC के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में 1300 पोस्टें थी, जिनके बारे में ये नोटिफिकेशन भी हुआ था कि ये पोस्टें बढ़ा दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पोस्टें 1300 ही थी। सफदरजंग की 1400 कुछ पोस्टें थी जो कलावती और लेडी हार्डिंग को मिला करके की गई थी। उसके बाद दिल्ली एम्स की बात करते हैं, दिल्ली एम्स की 900 पोस्टें थी। इसी बीच एक और बड़ी पोस्ट आई थी जिसका नाम था UPNRHM। UPNRHM की जो पोस्टें थी वो आई थी 10,000 पोस्टें। 10,000 पोस्टों में जिनमें सबसे ज़्यादा INM की पोस्टें थी, करीब 7600 के करीब, और स्टाफ नर्स की जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट से भरवाई थी, SNMH, SNCP, उनका एग्ज़ाम हुआ था शायद जनवरी में या दिसंबर, जनवरी के मंथ में एग्ज़ाम हुआ था। ऋषिकेश एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, 637 के समथिंग ऐसी कुछ पोस्टें थी जिनका एग्ज़ाम हुआ था ऋषिकेश का। उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी 10 दिन बाद में। GMCH की 157 पोस्टें आई थी जो कि इंटरव्यू बेस पे थी, और ये टोटल पोस्ट करीब 20,000 पोस्ट के करीब जो कि हम मिस कर चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम हम दे चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था जो हमने शायद किसी खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नर्सिंग में वैकेंसियों की कमी नहीं होती, नर्सिंग में वैकेंसी आती रहती हैं। जैसे कि राजस्थान में नेशनल रूरल हेल्थ की जो 2016 वाली वैकेंसी थी वो अब जाकर क्लियर हुई है, हो जाती है जितना भी टाइम लगता है। अब बात करते हैं जो वैकेंसी फिलहाल चल रही है, जिनके बारे में हम फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में। क्या किसी ने की पोस्ट भरी है, क्या किसी ने नहीं भरी। तमिलनाडु की 2860 पोस्ट, यानी कि 3,000 पोस्ट तमिलनाडु में कम नहीं थी। उसके बात करते हैं रिम्स, रिम्स रांची में 362 पोस्ट हैं। रिम्स रांची में 362 पोस्ट, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट दी रिम्स रांची वाले में भी। उसके बाद पंडित BD यूनिवर्सिटी रोहतक, 976 पोस्ट है। 900, इसमें क्या है कि इसमें शायद हर स्टाफ नर्स की 500 600 के समथिंग पोस्ट हैं, लेकिन इसमें हरियाणा का रजिस्ट्रेशन मांग ले तो ये नर्सिंग की वैकेंसी है जो हरियाणा के लिए, सिर्फ हरियाणा वाले रजिस्ट्रेशन वाले ही भर सकते हैं। SGPJ, जी SGPJ लखनऊ की वैकेंसी 2016 की या उनकी समथिंग की वैकेंसी, इसको बढ़ाकर 2018 में इसके रिफॉर्म निकाले गए थे, 500 रुपये का चालान लिया गया था। उसके बाद भी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये 500 वैकेंसी का आप टारगेट करके रखें, इसलिए आपको सिलेक्शन दिला सकती है। कंबाइंड एम्स 2,000 पोस्ट है। कंबाइंड एम्स की सुनवाई अब जुलाई को कर दी गई है। इसको पहले 7 जनवरी को एग्ज़ाम होना था, पहले था 7 दिसंबर का, फिर 7 जनवरी का बढ़ाकर किया गया, फिर इसकी सुनवाई थी 8 जनवरी को, उसके बाद इसको नई डेट दे दी गई थी मार्च या अप्रैल में शायद, उसके बाद जुलाई में दे दी गई है। अगर ये वैकेंसी 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो इसके बाद शायद इसका दोबारा से पोर्टल खोल दें और नए आवेदन ले लें, तो नए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है 2,000 वैकेंसियों में। क्योंकि कंबाइंड एम्स एक अगर किसी पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट ही बेस्ट है, ये पुरानी वैकेंसियाँ हैं। ये नई वैकेंसी अगर नई पोर्टल खुल पाता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसियों में स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, यह 2,000 वैकेंसी बहुत ही अच्छा मौका देने वाली है। उसके बाद बात करते हैं DSSB की वैकेंसी। DSSB की 600 पोस्ट है। DSSB का सिलेबस सबसे अलग होता है। DSSB का एग्ज़ाम होने को ही है। DSSB ये अपने एडमिट कार्ड जारी कर देगा कभी भी, क्योंकि DSSB ने अभी अपने PGT और टीचर्स की, म्यूजिक टीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का एग्ज़ाम करा लिए हैं, उनका रिजल्ट्स भी जारी कर दिया है। DSSB बाकी के जितने भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम बचे हैं उनको करा कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा है, तो DSSB की आप पोस्ट की तैयारी कर दें। बात कर उसके बाद में PGI चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ की वैकेंसी आने वाली, 600 वैकेंसियाँ PGI चंडीगढ़ की आने वाली हैं। जी हाँ, PGI चंडीगढ़ की 600 वैकेंसियाँ
आने वाली है जो कि नए स्टूडेंट्स और भर सकते हैं, उनके पास अच्छा मौका होगा इसमें अपने उम्मीदों को खरा उतरने का। उसके बाद BHU की 700 पोस्ट हैं जो कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग की गई है। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा जरूर था, लेकिन BHU बॉन्ड भरवाता है और उससे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है BHU में भी। RRB की 1106 पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स हैं। आपने देखा होगा RRB की पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया, इनका एग्ज़ाम RRB का जून की फर्स्ट वीक का बोल रहे हैं, लेकिन शायद जून के फर्स्ट वीक में नहीं होगा एग्ज़ाम RRB का एग्ज़ाम, पर कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। अगर जून के फर्स्ट वीक में जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर में जो एग्ज़ाम है 70 बेस्ट के, टाटा मेमोरियल नवी मुंबई का जो हॉस्पिटल है इसमें 70 नर्सिंग पोस्ट के लिए निकला था। दिल्ली एम्स की 500 वैकेंसी आने वाली, जिनका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, जिनके फॉर्म जुलाई में भरना चालू हो जाएंगे। 500 के करीब दिल्ली एम्स की दोबारा से वैकेंसी आने वाली है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की 40 पोस्ट आई थी। MPPGCL ये पावर ग्रिड का डिपार्टमेंट है जिसकी 28 पोस्ट है, और JKSSB 550 पोस्ट निकली है। और NHM आसाम 1041 पोस्ट हैं। दोस्तों मैंने ये वैकेंसी आपके साथ शेयर की है कि आप कहाँ पे बने हुए हैं फिलहाल, किस लेवल के पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, किस लेवल पे आप हो, कितने एग्जाम आप दे चुके हो अपने असेसमेंट के लिए। मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आता रहता हूँ और इसी तरह के वीडियो और भी लेके आऊँगा। इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये वैकेंसियाँ जो जिनके आपने फॉर्म भर चुके हैं, जो आने वाली है और जो जा चुकी है, उनके बारे में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसियाँ जो चली गई हैं, और ये आने वाली वैकेंसियाँ भी बहुत हैं और जो अब चल रही हैं। DSSB फिलहाल तो 4 वैकेंसी पर गौर किया जाए, DSSB की वैकेंसी और दिल्ली एम्स की जो आने वाली वैकेंसी है, RRB की वैकेंसीज, इन वैकेंसी और कंबाइंड एम्स एक सबसे बड़ा अच्छा मौका रहेगा। एम्स भोपाल में भी निकली है, SIC कर्नाटका में भी निकली है, वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। आप तैयारी करती रहिए कि स्टडी रखिए आप, अगर आप हार्ड स्टडी रखेंगे अपने आप को मोटिवेट रखिए, स्टडी करते रहिए। अगर आप स्टडी रखेंगे आपको सिलेक्शन से कोई दूर नहीं ले जा सकता। आपके लिए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।